हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है काफी बेहतर, बढ़िया होगा। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो भाई, हम पीकेटी सर, मैथमेटिक्स एजुकेटर इन कैरियर पॉइंट पटना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ जाता है, तो ये ऑलरेडी मेरा वीडियो इस पे है, नंबर फॉर्मेशन पे, रैंक पे, बाइनोमियल में डिवाइजर्स पे, बाइनोमियल में रिमाइंडर पे। तो उसी टाइप के टॉपिक हमने सोचा कि टीएनसी कर लिया जाए कि हाउ टू फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़े रहे और आराम से इस वीडियो को देखना, दो बार, तीन बार, चार बार रोक रोक करके देखना। लेकिन अगर अब एक बार अच्छे से देख जाते हैं तो आपको ग्रुपिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रॉब्लम। तो यानी अपना हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो ये क्या होता है सर? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप क्या होता है, मतलब क्या करेंगे इसमें, है ना? किस चीज का ग्रुप बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक मान लीजिए, छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये देते हैं कि मान लो हमारे पास पांच लोग हैं। कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? फाइव। पांच लोगों को हम चाहते हैं कि आप तीन ग्रुप में करिए। पांच लोगों का तीन ग्रुप में करिए, एक में एक आदमी, एक में एक आदमी और बाकी में तीन आदमी। तो पांच लोगों के ग्रुप बनाइए और ऐसा बनाइए कि एक में एक लोग हो, एक में एक लोग हो और अगले में तीन लोग हो। कोई बोलेगा कि सर हम ऐसे बनाएंगे, एक दो दो। हाँ, ये भी बन सकता है। किसी ने कहा कि सर अगर मेरे पास टोटल छह आदमी है, उनको तीन ग्रुप में बांटना है, वन टू थ्री, ये कैसे बनेगा? यानी ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात कि सर ये टॉपिक जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल कब है? पीएनसी में इतना हौच पौच है कि पता ही नहीं चलता है। तो यानी बिग क्वेश्चन, ये कब अप्लाई होगा, कब लगेगा? अच्छा, आप कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, ये जरूर पता करिए कि लगना कब है। ठीक है, तो कब लगेगा? तो आप हमेशा याद रखिएगा बच्चे, कि अगर आपके पास थिंग्स ज्यादा, क्या ज्यादा हो? थिंग्स, और प्लेसेस कम। आपके पास चीज ज्यादा हो और प्लेस कम हो, जगह कम हो, दैट टाइम विल यूज व्हाट? ग्रुपिंग। मतलब क्या हुआ सर इसका? कि चीज ज्यादा हो, लोग कम। ध्यान रखना, ये हम लोग अभी बात करें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट थिंग्स का। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट थिंग्स का हम लोग बात करें। ठीक है, चलिए। तो सर अगर ये चीज आइडेंटिकल हो जाता तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना बच्चे, अगर चीज आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसके अलग मेथड है, बेगर क्वाइन मेथड, सिक्का सिक्का और भिखारी मेथड, वो बाद का बात है। और अगर सर चीज कम हो जाए और लोग ज्यादा हो जाए तो याद करो गैप मेथड, जिसमें कि जगह ज्यादा था, एक दो तीन चार पांच छह, छह जगह पे चार लोगों को बैठाना है। कैसे बैठाते थे? छह में से चार का सिलेक्शन करो और इन चार जगहों पे चार लोगों को बैठने का तरीका कितना था? फैक्टोरियल फोर, बताओ हाँ या ना? यानी कि सर छह जगह था, लोग कम थे, तो सिंपल सिलेक्शन करके अरेंजमेंट कर दिए, बात खत्म। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए कि छह गो टॉफी है अलग अलग प्रकार का, क्या 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 क्या, छह टॉफी है, ज्यादा टॉफी हो गया, पांच टॉफी, छह टॉफी है भाई अलग अलग प्रकार का, सब डिफरेंट है, कोई टेढ़ा है, कोई गोला टॉफी है, कोई ऐसा ऐसा टॉफी है, पांच टॉफी हो गया और बांटना है तीन लोगों में, तीन आदमी यहां पे हैं, आदमी बना देते हैं बच्चा। ठीक है, तीन आदमी है यहां पे, ये तीन लोग हैं, आपके पास पांच अलग अलग प्रकार के टॉफीज हैं और आपको तीन लोगों में बांटा, आपको कहानी में ट्विस्ट हो गया। तो अगर क्वेश्चन यहीं पे रहेगा कि पांच टॉफी तीन लोगों को बांटिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है कि कहेगा कि कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ, वरना तो आप बोल सकते कि सर इसको कुछ नहीं दिया, इसको कुछ नहीं दिया, पांचों को पांचों इसको दे दिए, या फिर पांचों का पांचों इसको दे दिए, ये दोनों खाली रह गए, पांचों का पांचों इसको दे दिए, ये दोनों खाली रह गए। आंसर सिंपल सा हो जाएगा कि इस पांच टॉपिक के लिए तीन आदमी, इस टॉपिक के लिए तीन आदमी, आंसर तीन की पांच पांच हो जाता है ना। कि सर पहला टॉपिक बांटने गए, तीन में से किसी को दे सकते थे, दूसरा टॉपिक बांटने गए, तीन में से किसी को दे सकते थे, आंसर कितना आ जाएगा? तीन की पावर पांच।
ये तो कोई कंडीशन ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि पांच अलग अलग टॉपिक को तीन लोगों में बांटिए और ऐसे बांटिए कि नो पर्सन शुड एम्पटी, कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब यहीं पे आप लगाते हैं ग्रुपिंग, यानी ग्रुपिंग लगता कब ये जानना जरूरी है। लगाना बहुत आसान है, इट इज नीड टू बी वेरी क्लियर कि व्हेन विल अप्लाई ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट। तो ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट विल ओनली अप्लाई व्हेन थिंग्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन द पर्सन, लोगों से ज्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होगा एंड आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पर्सन सच दैट नो पर्सन शुड रिमेन एम्प्टी, है ना। बाकी कंडीशन बहुत कुछ आ सकता है लेकिन मोर और लेस यही बात होगी कि भाई आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तब आप चिंता में पड़े कि पांच टॉफी है, तीन ही लोग हैं, अब इनको हमको बांटना है, तो तुम तीन जो डब्बा लेकर के आओ, तीन बॉक्स लेकर के आए, बोले कि बॉक्स में बंद करके हम टॉफी बांटेंगे। तीन बॉक्स तो तुम ले आए लेकिन अब किस बॉक्स में कितना टॉफी रखोगे ये कैसे पता चलेगा, किस बॉक्स में कितना टॉफी रखिएगा कैसे पता चलेगा। तो कोई बच्चा बोला कि सर पहला बॉक्स में दो टॉफी रख देते हैं, इसमें दो रख देते और इसमें एक रख देते हैं, पांच टॉफी पूरा हो गया। कोई बच्चा बोला कि नहीं सर इस बॉक्स में एक टॉफी, इसमें भी एक टॉफी, इसमें तीन टॉफी। अब इसमें कौन सा तीन टॉफी, क्योंकि पांचों का पांचों टॉफी अलग है, ये वाला तीन रखना है कि यहां से दो और यहां से एक लेना है, ये और ये लेना है, कौन सा तीन टॉफी लेना है एक में और कौन सा दो टॉफी लेना है एक, यानी कि एक जगह तीन टॉफी और एक जगह दो टॉफी लेना होगा। मतलब ये कि सर पांच टॉफी को अलग अलग जगह पे रखने का भी कुछ तरीका है और यही तरीका हम लोग सीखेंगे ग्रुपिंग के अंदर। तो आप समझ गए कि कब अप्लाई होगा, व्हेन विल अप्लाई इट, शायद रेड कलर ना दिखे तो व्हाइट ले लेते, व्हेन विल अप्लाई दिस, तो जब थिंग्स विल बी मोर देन द प्लेसेस देन विल अप्लाई। ये थिंग्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी प्लेस एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी हो जाएगा तो फिर तो कंडीशनल अरेंजमेंट होगा, देखा जाएगा कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। तुमने कहा कि सर ये बात तो समझ में आती है कि ध्यान रखना होगा, हम ध्यान रखेंगे लेकिन अब इसको करेंगे कैसे। तो देखिए अगर मान लो छह लोग और इनको आपको तीन ग्रुप में बांटना है कि पहला में एक आदमी, दूसरा में दो आदमी, तीसरा में तीन आदमी, तो ये सिंपल सिलेक्शन है। क्या करना है बच्चे, छह में से एक आदमी का सिलेक्शन करो, साइड करो उसको, कितने बचे पांच, पांच में से दो का सिलेक्शन कर लो उसको साइड करो, बचे कितने तीन, तीन में से तीनों का सिलेक्शन कर लो, दैट्स इट, दिस इज द एंड। खोलिए ऊपर का फैक्टोरियल, ऊपर नीचे का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल, नीचे फाइव से टू का वैल्यू, फाइव का फैक्टोरियल ऊपर, टू का फैक्टोरियल नीचे, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे, थ्री सी थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि सर ये तो हमने सिंपल क्या किया, ये हमने सिंपल क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, ये तो सिंपल सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहां से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आएगा, क्या जरा देखो, फाइव फैक्टोरियल से फाइव फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, फाइनली फाइनली जो बच गया वो बच गया, वो क्या बच गया, वो बच गया सिक्स फैक्टोरियल ऊपर, नीचे में बच गया टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, और यहां से वन भी थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं, ये फाइनली आपका बच गया। मतलब अगर तुम यहां से एक ऑब्जर्वेशन देख रहे होगे तो क्या दिख रहा है ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में ये दिख रहा है कि सर जितना लोग थे उनका फैक्टोरियल ऊपर और जितने जितने ग्रुप में बांटना था उस ग्रुप का फैक्टोरियल नीचे, मतलब टोटल फैक्टोरियल ऊपर और ग्रुप साइज नीचे। तो ये रहा छह लोगों को तीन ग्रुप में बांटने का तरीका, इन सच अ वे दैट ग्रुप वन कंटेन वन पीपल, अनदर ग्रुप कंटेन टू पीपल, अनदर ग्रुप कंटेन थ्री पीपल। दिस कैन बी डन बाय ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर और जो भी ग्रुप का साइज है उसका फैक्टोरियल नीचे। मतलब कि सर ये कहीं भी लगेगा, अगर आठ लोग हैं उनको हम चार ग्रुप में बांटते हैं, वन टू
4, यहां भी थोड़ी 10 कर देते हैं, है ना, क्योंकि ग्रुप साइज अभी रिपीट नहीं करना चाहते, ग्रुप का रिपीटेशन थोड़ी देर में दिखाएंगे, ग्रुप का रिपीटेशन अभी हम नहीं चाहते। 10 लोग, 10 लोगों को कितने ग्रुप में बांटे, 4 ग्रुप में, ऐसा बांटिए कि एक ग्रुप में एक आदमी, एक ग्रुप में दो आदमी, एक ग्रुप में तीन आदमी, एक ग्रुप में चार आदमी, चार ग्रुप ए बी सी डी, मान लीजिए चार ग्रुप है ए बी सी डी, सच दैट ग्रुप ए में एक आदमी, ग्रुप बी में दो आदमी, ग्रुप सी में तीन आदमी, ग्रुप डी में चार आदमी, कैसे होगा? सर 10 लोग थे, 10 का फैक्टोरियल ऊपर, एक आदमी एक ग्रुप में, दो आदमी एक ग्रुप में, तीन आदमी एक ग्रुप में, चार आदमी एक ग्रुप में, लो ये रहा है आपका सिंपल, जितना है उतना ऊपर और जितने ग्रुप का साइज है उतना का फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। तो दूसरा बात क्या करोगे कि तुम बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें ग्रुप का रिपीटेशन तो हो ही रहा है, अगर साइज सेम आ जाए तब क्या करेंगे? तो थोड़ा देर के लिए फिर से देखिए, तीन आदमी है, इनको एक 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 के तीन ग्रुप में करने का कितना तरीका हो? तो तीन आदमी को तीन ग्रुप में करने का एक ही तरीका है कि तीनों को अलग अलग ग्रुप में कर। तीन आदमी आपके सामने बैठे हैं ए बी सी, आप चाहते हैं कि तीनों का अलग अलग ग्रुप हो जाए, तो एक तरीका है कि ए बी सी को अलग अलग कर दीजिए, लेकिन अगर अपने आप पुराने मेथड से सॉल्व करते तो आंसर क्या आता? पुराने मेथड से आता है कि जितना लोग है उसका फैक्टोरियल ऊपर और जितने ग्रुप का साइज है उसका फैक्टोरियल नीचे, 3 factorial by 1, 1, 1 आंसर तो यहां से 6 आ जाता, लेकिन तुम तो देख रहे हो कि सर आंसर तो 1 आना चाहिए, क्योंकि तीन आदमी को एक एक ग्रुप में करने का एक ही तरीका है, उनको बांट दीजिए एक 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 करके, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि ए का एक ग्रुप होगा, बी का एक ग्रुप होगा, सी का एक ग्रुप, और कोई नहीं है कि सर इसमें डी का ग्रुप होगा, ई का ग्रुप होगा, लोग ही नहीं है, एक ही आदमी एक ग्रुप में आएगा। तो ध्यान रखना, जब ग्रुप का साइज सेम हो जा तो यहां से आंसर आना चाहिए था, वन आया है, 6 आएगा कैसे? अगर हम 3 factorial का डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता 1, जो कि सही है, और 6 क्या है हमारा, गलत है। और यहां से छोटा सा चीज दिमाग में आया कि सर इसका मतलब है कि जो जितना था उसका फैक्टोरियल ऊपर, जितने ग्रुप का साइज था उसका फैक्टोरियल नीचे, क्या बोले? जितना लोग था उसका फैक्टोरियल ऊपर, जितने ग्रुप का साइज था उसका फैक्टोरियल नीचे, जो ग्रुप जितनी बार रिपीट किया उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। यानी कि अगर थोड़ी देर में आप सोचिएगा तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ग्रुप साइज, ये लिखा है ग्रुप साइज, और ये क्या लिखा है, रिपीटेशन, रिपीटेशन की वजह से ये 3 factorial आया। और याद करवाए थे तुमको कि परमुटेशन के अंदर जब जब रिपीटेशन होगा तब तब डिवाइड होगा। 8 आदमी को 3 ग्रुप में बांटिए सच दैट एक ग्रुप में दो आदमी, एक ग्रुप में दो आदमी, अगले ग्रुप में 3 आदमी, अगले ग्रुप में 1 आदमी, ऐसा करके बोला कि बांट। आपने कहा कि ठीक है सर, जितना लोग है उनका फैक्टोरियल ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल नीचे। रिपीटेशन भी है सर, किसका? दो वाला ग्रुप दो बार आया है, और जो जितनी बार रिपीटेशन होता है उसके फैक्टोरियल से हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या चीज हुआ हमारा आंसर, यानी जो जितनी बार रिपीट करे। सर 6 को 3 ग्रुप में बांटिए, एक ग्रुप में एक आदमी, एक ग्रुप में एक आदमी, एक ग्रुप में दो आदमी, और एक ग्रुप में दो आदमी, हो गया। तुमने कहा कि ठीक है, 6 लोग थे, 6 का फैक्टोरियल ऊपर, पहला में 1, दूसरा में 1, तीसरा में 2, चौथे में 2, ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल नीचे, सिंपल। अब क्या करना है कि सर 1 दो बार रिपीट हुआ तो 2 factorial, 2 भी दो बार रिपीट हुआ 2 factorial, ये क्या रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से आप ये कर सकते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर टोटल 3n ऑब्जेक्ट है और अगर 3n ऑब्जेक्ट को n n n के 3 ग्रुप में अगर बांटना होगा तो हम क्या करेंगे सर,
थ्री एन का फैक्टोरियल ऊपर, जो जितनी ग्रुप में है उसका फैक्टोरियल नीचे, इन टू एन कितनी बार है, तीन बार है और एक ही जैसा है, तो ड्यू टू रिपीटेशन थ्री फैक्टोरियल का डिवाइड, यानी कि कोई भी ग्रुप होगा आप उसको कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुमको ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कि ये छोटा छोटा वीडियो रखते हैं या ग्रुपिंग का ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अपने पास रखिए, हम अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर मतलब टुमारो ओनली, विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन। हम इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पिछले सालों जेईई मेंस के अंदर और कुछ एडवांस के अंदर आए हुए हैं, जो कि ग्रुपिंग प्लस अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, कि ग्रुपिंग भी करिए और साथ के साथ अरेंजमेंट भी करिए। तो फॉर टुडे दोनों वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो दोनों वीडियो एक साथ देख सकते हैं, या फिर अगर तुमको छोटा पढ़ना है तो आज तुम ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिए, कल तुम ग्रुपिंग का एप्लीकेशन समझ लेना कि ग्रुपिंग का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, है ना। तो फाइनली जब हम समराइज कर रहे हैं तो एक उससे लास्ट में एक क्वेश्चन बस आपको फिर से करा देते हैं कि अगर दो दो रिपीटेशन हो जाएगा तो क्या होगा। कि सर 10 ऑब्जेक्ट है, इसको चार ग्रुप में बांटना है, 1 2 3, एक रिपीटेशन कराते हैं, 3 कर दिए, 3 3 6 3 9, और एक यहाँ पे आ गया 10। 10 ऑब्जेक्ट को 5 ग्रुप में बांटिए इन सच अ वे कि दो ग्रुप में एक एक लोग रहेंगे, दो ग्रुप में तीन तीन लोग रहेंगे और एक ग्रुप में दो रहेगा, 3 3 6 2 8 2 10। क्या होगा, सेम चीज कि जितने लोग हैं उसका फैक्टोरियल ऊपर, पहला ग्रुप में एक आदमी, दूसरा ग्रुप में दो आदमी, फिर तीन और फिर लास्ट वाले में एक। कितना तो हो गया सर ग्रुप साइज। अब क्या करना है, तो अब करना है कि कौन सा ग्रुप कितनी बार आया। तो 1 कितनी बार आया, 2 बार आया था, 2 फैक्टोरियल। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया था, 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ग्रुपिंग करते कैसे हैं, जितना लोग है उसका फैक्टोरियल ऊपर, जो भी ग्रुप का साइज है उसका फैक्टोरियल नीचे, और जो रिपीट करता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, कल क्वेश्चन करेंगे ग्रुपिंग की एप्लीकेशन एंड अरेंजमेंट पे, कि 6 लोगों को 4 रूम में अकोमोडेट करने का कितना तरीका है, 8 लोगों को 3 टैक्सी से शहर ए से शहर बी ले जाने का कितना तरीका है, जो कि पिछले सालों मेंस में और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक दिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ाई बहुत कर। अब उसको हम लोग पार्ट में बांट देते हैं, 2 साल का पूरा सेगमेंट है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है तो मान के चलते हैं कि मैक्सिमम 11th के बच्चे होंगे यहाँ पे। तो पूरा का पूरा 2 ईयर अगर आप कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं, 110% यू विल बी हैविंग द आईआईटी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप आराम से मेहनत करिए, डेफिनेटली यू आर हैविंग अ वेरी गुड कॉलेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स। बाकी कोई भी समस्या हो चैट बॉक्स में आप जरूर लिखिए बच्चे, कि हम अगले वीडियो में अगर कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करना होगा तो कर सकते हैं, तो उसी के बिहार पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप चैट बॉक्स में जो भी कंसर्न होगा कि सर तेज हुआ, फास्ट हुआ, स्लो हुआ, नहीं दिखा, दिखा आवाज का प्रॉब्लम, तो दिस है दैट है, या फिर कोई ऐसा वीडियो जो कि आप चाहते हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए, कि जब भी हम लोग अपना सेशन डिजाइन करें तो उस चीज को टेक केयर करें। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।